हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल का जो हमारा लेक्चर था दैट वाज बेस्ड ऑन रेबर्ग फार्मूला। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, तो उसी टॉपिक से बेस्ड हम कुछ आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो कल जो मैंने आपको बताया था दैट वाज रेबर्ग फार्मूला। तो क्या था वो फार्मूला, एक बार रिकैप कर देते हैं। रेबर्ग्स फार्मूला क्या था? बेसिकली इट वाज न्यू बार इज इक्वल टू आर एच वन अपोन एन वन स्क्वेयर माइनस वन अपोन एन टू स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर। दिस वॉज द फार्मूला। मतलब क्या था इसका? मतलब ये था कि हाइड्रोजन के केस में जब इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, देखिए एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ पूरे टॉपिक को। यहाँ पे अपना न्यूक्लियस था और यहाँ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके क्या करेगा, एनर्जी गेन की, एंड इट विल जंप टू अपर एंड अपर लेवल। कहीं भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, इन्फिनिटी पे भी जा सकता है। तो इन्फिनिटी पे जब चला जाता है तो उसको हम आयनाइजेशन बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया मान लिया, अब वापिस आएगा तो इट विल लूज एनर्जी, ये एनर्जी को एमिट करेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कहाँ करता है, यहाँ से जंप करने की इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है फर्स्ट लेवल पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। यहाँ से यहाँ करेगा तो बाल्मर सीरीज, यहाँ करेगा तो पाश्चन ब्रैकेट फंड एंड हैम्फ्री। तो इस प्रकार से सीरीज हमने कल डिस्कस की थी, तो वो आपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें देखनी है वो चीज़ें। तो आर एच की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, आर एच इज 109677 सेंटीमीटर माइनस वन, दिस इज द वैल्यू फॉर आर एच। एंड N1 का मतलब क्या होता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन आता है, और N2 का मतलब क्या होता है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, और Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन ये फार्मूला हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक के लिए भी काम करता है। हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या था, HE+1 Li+2 Be+3 एटसेट्रा, यानी जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है उन स्पीसीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, ये कल हमने डिस्कस किया था। अभी कमिंग बैक टू द न्यूमेरिकल, तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है आपका वो क्या है, एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ मैं, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन ऑफ सपोज मैं लिखता हूँ बाल्मर सीरीज, कोई भी सीरीज का नाम दे सकता है। तो कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, यानी बाल्मर सीरीज जो होती है उसकी लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ की हाउ टू फाइंड आउट। तो क्या करें इसमें, देखिए बाल्मर सीरीज का मतलब क्या है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग डाउन टू सेकंड लेवल। ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट लेवल पे लाइमन, सेकंड पे बाल्मर, तीसरी पे पाश्चन, फोर्थ ब्रैकेट फंड, ये सिक्वेंस से आपको याद करनी है। तो कहाँ जंप किया, दो नंबर पे, बाल्मर सीरीज का मतलब दो नंबर पे किया। तो N2 की वैल्यू, एक्चुअली N1 की वैल्यू आपके पास क्या हुई, 2। तो N1 की वैल्यू आपको पता पड़ेगी। लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या है, लिमिटिंग लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया। अब लिमिटिंग का मतलब होता है इन्फिनिटी, और फर्स्ट लाइन का मतलब इससे नेक्स्ट लाइन। जैसे मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो यहाँ से जो जंप करेगा तो एक लाइन बनी, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन। यहाँ से करता है तो सेकेंड लाइन, यहाँ से करता है तो थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, और इन्फिनिटी से करता है तो लिमिटिंग लाइन हम बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये N1 वैल्यू 1 है, ये मान लीजिए 2 है, और ये मान लीजिए 3 है। मैं थर्ड स्टेप की बात कर रहा हूँ, लाइमन बाल्मर पाश्चन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पाश्चन सीरीज। अभी पाश्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन पाश्चन यहाँ पे थर्ड लेवल पे जंप करता है, तो इसके लिए फर्स्ट लाइन क्या हुई, ये लाइन हुई, यानी इससे जस्ट ऊपर वाली से जंप करता है तो वो फर्स्ट लाइन, और इन्फिनिटी से करता है उसको लिमिटिंग लाइन बोलते हैं। तो N2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, इन्फिनिटी। और फार्मूला अप्लाई करते हैं न्यू बार, और न्यू बार का मतलब क्या होता है, 1/λ भी होता है। तो फार्मूला क्या हुआ, 1/λ इज इक्वल टू आर एच एंड 1/N1 की वैल्यू 2 का स्क्वेयर माइनस 1/N2 इन्फिनिटी का स्क्वेयर। अब 1/λ आर एच की वैल्यू होती है 109677, कई बार ये वैल्यू गिवन भी होती है, इसको हम 10^5 भी कई बार कर सकता है ये, ओके। तो 1/2^4 और 1/∞ का मतलब होता है 0, तो ये आपके पास हो गया। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या जाएगा,
वन अपॉन लैम्डा की वैल्यू आएगी, और यहाँ से आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। ये काम आपका है कि आप इसको कैसे करते हो, मैथ्स लगाना है, सिंपल जोड़ प्लस माइनस है पूरा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। एक टाइप और बताता हूँ मैं, मान लीजिए अपना आपका जो अगला न्यूमेरिकल है वो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज सेकंड न्यूमेरिकल लिखता हूँ, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड इन हाइड्रोजन या इन अच्छी प्लस वन ले लो, चेंज करते हैं कुछ, इन अच्छी प्लस वन वहन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन बराबर फोर टू या सीधा फोर्थ टू सेकेंड, यानी फोर्थ लेवल से सेकेंड लेवल पे फॉल होता है, तो आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेवलेंथ निकालनी है तो वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको, आर एच वन अपॉन एन वन का स्क्वेयर एन टू स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर जरूर लिखना है। हाइड्रोजन के केस में लिखने की जरूरत नहीं है, एक वैल्यू होती है, हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर एक होता है। चलिए वन अपॉन लैम्डा, आर एच की वैल्यू होती है 109677, वन अपॉन एन वन, एन वन का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आया, तो कहाँ जंप हुआ, दो नंबर पे, तो टू स्क्वेयर माइनस कहाँ से आया, चार से, फोर का स्क्वेयर और जेड हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या हुआ करता है, दो, तो टू टू जा फोर। इसको फिर सिंपली आप सोल्व कर लेंगे और आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, लैम्डा। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं। लेट मी टेक द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स, नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स इन हाइड्रोजन इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सिक्स्थ लेवल टू सेकेंड। सिक्स्थ लेवल से सेकेंड लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो क्या निकालनी है, कितनी एमिशन लाइन्स बनेंगी। देखिए मान लीजिए चार से गिरा, चार से तीन पे गिरा, चार से दो पे भी गिर सकता है, फिर तीन से आया, तो इस प्रकार से अलग अलग लाइनें बनेंगी, कहाँ कहाँ से जंप कर सकता है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ से अगर बताऊँ तो मान लीजिए इन्फिनिटी यहाँ से गिरा, तो यहाँ से यहाँ गिर सकता है, यहाँ गिर सकता है, यहाँ गिर सकता है, फर्दर फिर यहाँ वाला यहाँ गिर सकता है, यहाँ वाला फिर आगे गिर सकता है, यहाँ गिर सकता है, यहाँ वाला यहाँ, यानी कितनी एमिशन लाइन बनेंगी। तो उसके लिए डायरेक्ट मैंने आपको कल फार्मूला बताया था, एंड द फार्मूला वाज नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी में गिवन है ये। तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस विल बी इक्वल टू एन टू माइनस एन वन प्लस वन और एन टू माइनस एन वन अपॉन टू, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए एन टू क्या है, सिक्स्थ, छः नंबर से, और दो नंबर पे गिरा तो सिक्स माइनस टू प्लस वन और सिक्स माइनस टू अपॉन में टू, यहाँ छः में से दो गया तो कितना होगा, छः में से दो गया तो चार प्लस एक पाँच इंटू छः में से दो गया तो चार अपॉन टू, टू टू जा फोर, तो टेन एमिशन लाइंस निकलेंगी। ये कई बार आपका नीट वगैरह के एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। तो इस टाइप के, इस फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं और इससे अलावा कुछ नहीं आ सकता। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है, तो मैं इसको मिटा सकता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन है, मैं एक बुक लेता हूँ, उस बुक से मैं क्वेश्चंस को अप्लाई करता हूँ। देखिए इसमें लिखा है, क्वेश्चन है व्हाट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, व्हाट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन अच्ची प्लस वन आयन वुड एमिट द रेडिएशन, वुड एमिट द रेडिएशन ऑफ सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ फर्स्ट
लाइमन ट्रांजिशन, ये क्वेश्चन है। चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है व्हाट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन एची प्लस आयन, यानी एची प्लस आयन में किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए वुड एमिट द रेडिएशन ऑफ सेम लैम्डा, यानी उतनी ही वेवलेंथ की। यानी आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया, यानी आपको N1 और N2 दोनों की वैल्यूज निकालनी है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया इन एची प्लस आयन, हीलियम आयन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब होता है, ट्रांजिशन वर्ड का मतलब कहां से कहां आया, यानी N1 और N2 की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। वुड एमिट द सेम रेडिएशन, यानी एमिट द रेडिएशन ऑफ सेम वेवलेंथ, यानी उतनी ही वेवलेंथ निकले जितना कि फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन में निकलती है। तो इसको मैं साफ कर लेता हूं नीचे से, और तब तक आप सोचिए। मैं देखिए फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन का मतलब क्या है। अब लाइमन वर्ड आ गया, इसका मतलब N1 की वैल्यू कितनी है 1, और फर्स्ट लाइन का मतलब N2 की वैल्यू कितनी 2। अब देखिए मैंने आपको बार बार बताया भाई लाइमन का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ गिरा और जस्ट अपने से ऊपर वाली से गिरता है, उसको हम फर्स्ट लाइन बोलते हैं। तो N2 की वैल्यू क्या हुई 1, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH, या सिंपली R ले लो, इससे H नहीं लिखते तो R ले सकते हैं, और 1 अपॉन N1 कितना है 1 का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर। फार्मूला अप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं किया, और ये किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन है ये, ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ ये हो गया, सोल्व करते हैं 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच आर, और ये हो जाएगा 2 × 4 माइनस 1 3/4, यानी ये हो गया 3R/4। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हुई, लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या हुई, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो इट विल बी 4/3R। तो ये आपका क्या आ गया, लैम्डा किसकी, फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन की। अब हम चलते हैं दूसरे केस में, ये कहता है हीलियम के लिए। अब हीलियम के लिए अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूं तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन लैम्डा इज आर, 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर, और यहाँ पे जेड स्क्वेयर होगा। चलिए भाई 1 अपॉन लैम्डा आर एज इट इज रख लेते हैं, ये आपको निकालना है N1 और N2 की वैल्यू, और जेड की वैल्यू क्या होगी हीलियम के लिए 2 होती है, तो 2 × 4। अभी 1/λ की वैल्यू, यानी लैम्डा की वैल्यू सेम है, ये कहता है दोनों के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या है सेम है, तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो 1/λ की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 3R/4 एंड विच इज इक्वल टू आर, और 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर और इंटू में 4। मैं यहाँ से देखिए आर से क्या कर सकता हूँ, आर मैंने आर से आर कैंसिल कर दिया। अभी नेक्स्ट कैलकुलेट करता हूँ, मैं 4 को नीचे ले आता हूँ, तो इट विल बिकम 3/16 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन N1 का स्क्वेयर और N2 स्क्वेयर। अभी आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना है कि 3/16 कब आएगा। अब यहाँ पे अगर 2 रखते हैं हम, और यहाँ पे मान लीजिए रखते हैं 4, क्योंकि 16 का फंडा आया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ एक बार, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 स्क्वेयर और 4 का स्क्वेयर। अब देखिए 2 × 2 कितना हुआ 4, और 4×4 = 16, तो 16 एलसीएम और माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 3/16। इसका मतलब यहाँ पे मैंने 2 रखने से और यहाँ पे 4 रखने से मेरे पास ये आएगा, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। इसका मतलब ये है कि फोर्थ लेवल से सेकंड लेवल पे इलेक्ट्रॉन गिरेगा हीलियम के केस में, तो उतनी ही वेवलेंथ की एनर्जी एमिट करेगा जब फर्स्ट लाइमन ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन में एमिट करेगा। तो ये था आपका न्यूमेरिकल्स। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में। तो नेक्स्ट